हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री श्याम और हर हर महादेव। तिथि हमें करवा चौथ की वीडियो है। हाँ, थोड़ा लेट से वीडियो डाल रही हूँ मैं, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी गाइस। क्या करें, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, और जब टाइम मिला है तो थोड़ा लेट हो चुका है। तो यहाँ रेडी सेडी होकर के हम बैठ चुके हैं। सारी मोहल्ले की लेडीज़ हैं, मेरी बहन भी बैठी हुई बिल्कुल मेरे बगल में, और हमने पूजा शुरू कर दी करवा चौथ की। यहाँ कथा स्टार्ट हो चुकी है। मुझे आपसे हाय हेलो करने का टाइम भी नहीं मिल पाया। तो यहाँ देखिए, हमने पूजा शुरू कर दी है और यहाँ कथा चल रही है भगवान जी की। तो ये कथा सुनवाते हैं आप लोगों को। गौरव बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ में कुल चार कथा कही जाती है और चार चार चीज चढ़ाई भी जाती हैं। हर जगह अपना अलग अलग रिचुअल्स होता है। तो हमारे यहाँ कैसे होता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस बार मैंने राजस्थानी लुक लिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। मेरे को राजस्थान की लग रही हो ना मैं, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। ये त्यौहार है ना, हमारे रिश्तों को और मजबूत करते हैं। यहाँ देखिए, सारी लेडीज़ पूजा कथा कर रही हैं, और सभी हमारे मोहल्ले की हैं, और जो जस्ट बगल में बैठी हमारे सिस्टर्स हैं। कबूड़ा का भी मेक सुतरी दूध बचवा का तो आखिर बनी क्या रे, तू पहले बारा था। उसी में कथा भी चल रही है, उसी में रस भी बनाया जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ रस बनाया जा रहे हैं, मतलब फुल मौज मस्ती होती रहती है। ये सब टाइमिंग है ना, जो मेमोरी हम सेव कर पाते हैं अपनी लाइफ में, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब बैठ के पीछे देखो ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि हमने कुछ मेमोरी सेव करके रखी हुई है। तो बस जस्ट सेव करने के लिए इन सब सारी चीज़ें की जाती हैं, और आप लोगों से जुड़े रहने का एक माध्यम भी है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो देख सकते हैं यहाँ दादी जो थी बहुत अच्छी कथा सुना रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, अब हमने आरती स्टार्ट कर दी है गौ गणेश जी की, गणेश जी की, और जिसको हम गोबर गणेश बनाते हैं, गौ गणेश बोलते हैं। तो सभी जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हमारे बनारस में कहती है कैसे होती है, यही मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप क्या कैसे होती है मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुकी है, चलिए आपको थोड़ा सा आरती भी सुनवाते हैं। यहाँ पर आरती चल रही है। इतनी सारी औरतें होंगी वहाँ तो कि हंसी मजाक होगा ही ना, तो यहाँ हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपना करवा भी बदलना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे करवा बदल रही हूँ मैं अपना गौ गणेश से। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा गौ गणेश से करवा बदलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लोग मुझे भ्रम में डाल लेते कि नहीं गौ गणेश से नहीं बदलते हैं, मतलब अपने आप जो ये होती है ना करवा, करवा से करवा को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मैं सोचे करवा से कभी एक्सचेंज मैंने किया नहीं है। मैं हमेशा गौ गणेश से ही करवा बदलती हूँ अपनी, तो मैं वैसे ही कर रही थी। देखिए जहाँ जिससे जैसे होता है वो वैसे करेगा, कुछ नई चीज़ें देख करके हम नया तो शुरू नहीं कर सकते ना। मुझे बहुत डर भी लगता है ये सब चीज़ों को देख करके, तो मुझे बस जैसे मैं शुरू से करती आ रही हूँ, जैसे मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं करवा एक्सचेंज कर रही हूँ, ये सिखा रही है मुझे आंटी जी कि देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो मैं उनकी बात को ही मान करके मैं उसी तरह से कर रही हूँ। मतलब हम तो इस तरफ ना इस आंचल से ढाक करके, किसी को दिखाते नहीं है, आंचल से ढाक करके, और इस तरह से करवा को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इसको हम करवा बदलना बोलते हैं। और बहुत जगह अलग अलग तरीके से होता, देखिए मेरी बहन कैसे कर रही भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम करवा को चार बार ये बोलेंगे तो सुहागिन, मतलब सुहाग के चीज़ देंगे, और करवा से बोलेंगे सुहागिन करवा लीजिए, तो बोलेंगे हाँ सुहागिन करवा दीजिए। तो कुछ इस तरह से ये सारा ये प्रोसेस होता है। और उसके बाद पति देव छत पे आ जाते हैं, और ये देखिए अब थोड़ा सा इनके साथ रील्स बनाई जा रही है, क्योंकि अभी चांद निकला नहीं है। तो यहाँ पर चांद निकला नहीं, तो फ़ायदा उठाया जाए मौके का। 7 बजे हमने पूजा सही टाइम पे कर लिया था। तो यहाँ देखिए सारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं, और हम अब रील्स बना रहे हैं। रील्स के चक्कर में मैंने ब्लॉग अच्छे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रील्स बहुत ज़्यादा बन चुके थे। तो रील्स से ज़्यादा अगर आपको देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब हो चुके, अब हम नीचे आकर रील्स बना रहे हैं, क्योंकि चांद को निकलने में टाइम था। तो अब क्या करते हैं, तो ये सब रील्स वगैरह बनाए जा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। सब टाइमिंग जो हमेशा याद रहते, बड़ा मज़ा आता है सब चीज़ों को देख करके। और देखिए अब फाइनली चंदा मामा निकल चुके हैं, और चल रही है हमारे पति देव की पूजा। और इनको पता पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, कोई इनकी आरती करे, पूजा करे, और इनको इस तरह से मान सम्मान दे, बड़ा इनको खुश हो जाते। कितने खुश लग रहे हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं, मतलब इनको ये लगता है कि भगवान वाली फील इनको आने लगती है, वही हमारा पूजा हो रहा है, हमारे पाठ चल रही है, बड़ा मज़ा आता है इनको। और सारे पति ऐसे खुश
होते भी होंगे ना कि कोई उनको तो सम्मान दे, सम्मान देना देना ही चाहिए भाई। दिन में व्रत करने में देखिए मैम मेरा व्रत खुलवाया जा रहा है लड्डू से, अरे लड्डू इन्होंने ही बनाया था। तो देखिए यहाँ पर पानी वानी पिला रहे हैं। ये थी हमारी अब तक की वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।